लक्षणाई न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राज ठाकरे को लेकर लगातार महाराष्ट्र की सियासत में यही कहा जा रहा है, क्या उनकी फिर से एक बार शिवसेना में वापसी हो सकती है। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब आज इस खास रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल ये सारी बातें क्यों हो रही है और किन के द्वारा की जा रही है और किस बेस पर की जा रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे को ये बात पता है कि राज ठाकरे अब जो है राजनीति में पूरी तरीके से हाथ पैर मारने के बाद उनको ये बात समझ आ चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता उनको उस तरीके से राजनीति में जो है कामयाब नहीं कर रही है। उसका बड़ा कारण ये है कि उन्होंने शिवसेना पार्टी से खुद को अलग किया, लेकिन जब वो शिवसेना पार्टी में हुआ करते थे तब उनकी टूटी बोला करती थी और महाराष्ट्र में एक आवाज पर सारे काम हुआ करते थे और एक जनसभा की बदौलत उस क्षेत्र का जो प्रत्याशी होता था वो जीत जाया करता था। लेकिन आज क्या वही स्थिति है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आज की अगर बात करूं मैं, ताजा तरीन मामला आपको बताऊं कि जिस तरीके से अंधेरी पूर्व में जो चुनाव हुए ऋतुजा लटके ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, उस जीत के बाद अब कई सारे नेता के एक तरीके से तमाम वादों पर जो पानी फिर गया, जो लगातार यही सोच रहे थे समझ रहे थे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ी बगावत के बाद कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से सिमटते हुए नजर आएंगे। और सिमटने से याद आया यहाँ पर कि खुद एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर उनके साथ आए हुए विधायकों में से मात्र एक भी विधायक हार जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या सही मायनों में आपको लगता है कि वैसा कदम उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक बयान है। एकनाथ शिंदे ने जो कदम उठाया वो काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था और इस बड़े टूट को पार्टी में जो हुई, जो अंजाम दिया गया एकनाथ शिंदे के द्वारा, उसका सिरा जो है महाराष्ट्र की जनता उनको जरूर देगी, क्योंकि बीएमसी चुनाव सर पर है। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे राज ठाकरे की शिवसेना में वापसी को लेकर के, तो ऐसे में कई तरीके की रिपोर्ट्स अगर देखें और जो मैंने आपको बात बताई उस बात को आप जरूर गौर से सोचिएगा और समझिएगा कि दरअसल मैं किस जो है एंगल से बात कह रहा हूँ और इसका महाराष्ट्र की सियासत में क्या असर पड़ सकता है और क्या वाकई सही मायनों में ये सारी बातें जो जमीनी स्तर पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसके आधिकारिक बयान के लिए आपको इंतजार करना होगा और लगातार महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए फिलहाल मुझे इजाजत, धन्यवाद।